करते हैं, बैट्समैन मेहनत पर पानी फेर देते हैं, हाय 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 हमारे तो दुखी बहुत ज़्यादा। ये तो मुझे लगता है कि बड़ी साजिश है कि जो आइटिनरी बनती है वो पहले लाते ही पड़ते हैं, कि पहले इनको यहाँ पे हराते हैं, इनको एग्जॉस्ट करते हैं ताकि इनको लग पता जाए लोग स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स वही वाली बात ना कि नफसियाती तौर पे भी खेलते हैं वो लोग। कुत्तों की तरह मारा है ऑस्ट्रेलिया ने, कुत्तों की तरह औकात याद दिलाइए कि ये तुम लोगों की औकात है। 28-29 साल हो गए जब पाकिस्तान आखिरी बार टेस्ट सीरीज जीता था और टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया में। ऋषभ पंत पैदा भी नहीं हुआ था जब पाकिस्तान आखिरी बार ये जीता था और वो पैदा होकर दो बार सीरीज भी जीत चुका है। 129 स्कोर के बिना वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैच तो किसी ने देखा नहीं सिवाय हमारे ये बड़े बड़े आएंगे उचड़ी चढ़ा, मैच ही नहीं देखा उन्हें पता ही नहीं चले। Nobody will say a single word for शानू दक के हाँ भीड़ पे डालेंगे कुछ और बाबर की मां बहन करेंगे। और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला कि बेटा तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ जीतने की, तो किस लिए आते हो। और डेविड वार्नर ने ये बोला कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम लोग जो वर्ल्ड क्लास बने फिरते हो ना और पाकिस्तानियों को नकली वर्ल्ड क्लास होने का चूरन बेचते हो ना, तुम्हारी मैं ऐसी की तैसी करके जाऊंगा। निकोलस सालो उनकी आदत है, इंडिया जाते उनको हरा के आ जाते, पाकिस्तान उनको हरा के चले जाते। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा। देखिए पर्थ में पाकिस्तान का आगाज हुआ, ठीक है 28 बरस हो गए पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में कोई एक टेस्ट मैच जीते, और अब 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से हारने के बाद भी आज हम वहां पे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि ये सफर कब खत्म होगा, ये इंतजार कब खत्म होगा। ये हाल है जो हमारे मैच की एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो 2023 हो 2024 हो, हमारी एक्सपेक्टेशन टीम से यही है कि जी आपने कैच ड्रॉप नहीं करने, आपने बहुत अच्छा खेलना है, आपने तू चल मैं आया वाली पॉलिसी नहीं अपनानी और आपने जीत के आना है। क्योंकि 28 सालों से हम ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक जब भी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज हो तो पाकिस्तान कोई ना कोई मैच तो जीते ना। बॉलर्स मेहनत करते हैं, बैट्समैन मेहनत पर पानी फेर देते हैं, हाय 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 हमारे तो दुखी बहुत ज़्यादा। ये तो मुझे लगता है कि बड़ी साजिश है कि जो आइटिनरी बनती है वो पहले लाते ही पड़ते हैं, कि पहले इनको यहाँ पे हराते हैं, इनको एग्जॉस्ट करते हैं ताकि इनको लग पता जाए लोग स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स वही वाली बात ना कि नफसियाती तौर पे भी खेलते हैं वो लोग। तो देखिए ये जो होस्ट कंट्री है ना उसकी अपनी एक हिकमत अमली होती है कि वो जो बाहर से आने वाले ममालिक हैं उनको कहाँ से शुरू करवाते हैं। पाकिस्तान के पास भी ये रास्ता मौजूद है, पाकिस्तान भी यहाँ जहाँ ये समझता है कि वो कराची में ऑस्ट्रेलिया को फंसा सकता है स्पिन पिचेस के ऊपर तो वहां से शुरू कर ले। पाकिस्तान ने तो ऑस्ट्रेलिया को जो बैटिंग पिचेस दी थी वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान को हरा कर गए हैं पिछले साल जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए कबील अरसे के बाद पाकिस्तान आए थे। तो पर्थ का हम ये बात की आदत है, इंडिया जाते उनको हरा के आ जाते, पाकिस्तान उनको हरा के चले जाते हैं। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहा। देखिए पर्थ में पाकिस्तान का आगाज हुआ, ठीक है कंडीशंस हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उन कंडीशंस पे अडेप्ट करें। भी कल ही आप देखें टेस्ट मैच खत्म हुआ है केप टाउन में इंडिया और साउथ अफ्रीका का, तो 2 दिन भी मुकम्मल खेल नहीं हुआ। एडन मार्करम ने उसमें जो 100 किया है और जिस तरह से इंडिया के 2-3 बैटर्स ने पहले इनिंग्स में रन्स किए थे, केएल राहुल ने पहले टेस्ट मैच की पहले इनिंग्स में 100 किया था, तो आपको रन्स करना पड़ते हैं, इस तरह की चीजों से आपको निकलना पड़ता है। व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को, व्हाइट वॉश मतलब के तीनों ही मैच, 1-2-3 तीनों ही मैच पाकिस्तान हार गया और कुछ नया नहीं हुआ। बिफोर द सीरीज अगर आपको याद हो तो इतनी सी बस एक दिल की हसरत थी कि एट द एंड ऑफ द सीरीज पाकिस्तान बस इतना करने में कामयाब हो जाए कि हम ये कहने में कामयाब हो जाए कि जी ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच नहीं जीता, 2 जीत गया, 1 मैच पाकिस्तान कुछ कर करा के इन्होंने ड्रॉ कर लिया। जीतने की भी आरजू नहीं की थी कि जीतने की शायद के बहुत बड़ी डिमांड है, तो किसी तरीके से ये कोई ड्रॉ ही कर दें कि हमारी जो टीम है वो किसी तरीके से भाई मैच ड्रॉ ही कर दे, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इनसे ये वाली ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती अपने क्रिकेट फैंस की, और वही जो इंतजार 1995 के बाद से अभी तक कंटिन्यू है और आगे पता नहीं फिर कितने साल और कंटिन्यू रहेगा। वो आके एक्चुअली हमें हमारे घर में भी हरा के चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने क्या ही हमसे हारना था, और बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग। जब तक आप इस मेंटालिटी और सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम यहाँ पे पहले भी कुछ नहीं करते थे अभी भी कुछ नहीं करेंगे, जब आप डिक्टेटरशिप करेंगे, जब आप पसंद नापसंद के डिसीजन लगाएंगे और आपका कप्तान जो है उसको 20 ओवरों तक आपका मेन बॉलर याद नहीं आएगा, रिजवान अदर अवर फील्डिंग अवर कैप्टनसी अवर मैनेजमेंट आई एम वेरी सॉरी आई विल नॉट एग्री विद दिस के मुकाबला किया दिले नतवा ने तो मुकाबला बड़ा किया तो ये हुआ तो वो आई डोंट एग्री विद दिस। मुकाबला 10 में भी हुआ 16 में भी हुआ, मुकाबला क्या होता है, व्हाट इज मुकाबला। दिस टेस्ट मैच वाज डेजिग्नेटेड फॉर पाकिस्तान, इट वाज पाकिस्तान्स मैच टू लूज एंड यू आर बैडली हैमर्ड एंड बैम्बूजल्ड इन सिडनी बिकॉज ये आपकी बैटिंग आपकी कप्तानी आपकी फील्डिंग हर चीज सिवाय बॉलिंग, और वो भी आमिर जमाल यार साजिद ने 2 आउट किए हैं लेकिन इतना एग्रेशन इतना शोर इतना गुस्सा उफ इट इज सो इरिटेटिंग। रिजवान साहब फास्ट बॉलर का एग्रेशन आमिर जमाल इट मेक्स है, आपका कप्तान ना फील्ड प्लेसिंग ना बॉलिंग और कैच इतना आसान लेबुशैन का, छोड़ के लेबुशैन का शुक्रिया यार दोनों इनिंग्स में आपने मेरा 50 करवा दिया। तो देखे
आप 129 कर के बिना, वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैच तो किसी ने देखा नहीं सिवाय हमारे, ये बड़े बड़े आएंगे प्लाम प्लू चढ़ी चढ़ा मैच ही नहीं।